विश्व का आठवां अजूबा। जी हाँ दोस्तों, भारत के हर दूसरे व्यक्ति की तरह आपके जीवन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर सामने आया होगा कि इस दुनिया का आठवां अजूबा क्या हो सकता है और क्या इस दुनिया को कभी अपना आठवां अजूबा मिल भी पाएगा या नहीं। तो इन सवालों का जवाब हाल ही में पूरी दुनिया को मिल चुका है। दुनिया का आठवां अजूबा आज से लगभग 800 साल पहले कंबोडिया की धरती पर बनकर तैयार हुआ एक ऐसा मंदिर है जो आधुनिक युग में भी अलग अलग देशों के सभी खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनकर के खड़ा हुआ है। हिंदू और बौद्ध धर्म की साझे विरासत का सबसे बड़ा और पवित्र उदाहरण यह मंदिर भले ही अपने अतीत को उठाए जंगलों के बीच आधुनिकीकरण से बहुत दूर है, लेकिन आज भी इस मंदिर को देख करके अगर हम इसकी असल खूबसूरती और धनवान विरासत का अंदाजा भी लगाने जाएं, तो हमारे सामने एक ऐसा चित्र प्रस्तुत होता है जिसको जमीन पर लाना आज की दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, वादे के मुताबिक विश्व भर के कुछ बेहतरीन धर्म स्थलों से आपको रूबरू करवाने के इस सफर में बात करते हैं दुनिया के आठवें अजूबे के बारे में, जिसकी कहानी वाकई बहुत खूबसूरत है। कंबोडिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश, जिसे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पहले कंपूजिया कहा जाता था। एक ऐसा देश जहां पर बुद्ध और शिव यानी हिंदू और बौद्ध धर्म की साझी विरासत हमेशा से ही देखने को मिलती रही है। इसी पवित्र देश में साल 790 यानी 8वीं शताब्दी में जयवर्मन द्वितीय का आगाज हुआ, जो कई सालों बाद जावा नाम की एक जगह से यहां पर आए थे। जयवर्मन द्वितीय ने साल 802 में महेंद्र पर्वत पर सभी हिंदू विधि विधानों को पूरा करते हुए खुद को चक्रवर्ती यानी राजाओं का राजा और धरती का भगवान घोषित कर दिया था। यही कारण है कि महेंद्र पर्वत यानी कुलेन हिल्स को आज भी कंबोडिया में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यही से जयवर्मन द्वितीय के साथ इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा भव्य और विशाल खामेर साम्राज्य शुरू हुआ था। जयवर्मन द्वितीय ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे आज अंगकोर के नाम से जाना जाता है। 11वीं शताब्दी तक आते आते खामेर साम्राज्य ने खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए मजबूत सड़कों के जाल से लेकर तालाब और पानी को इकट्ठा करने के लिए एक सुरक्षित सिस्टम तैयार कर लिया था। 9वीं शताब्दी से अपनी शुरुआत से लेकर 15वीं शताब्दी तक अलग अलग कारणों की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाने तक खामेर साम्राज्य के सभी 38 राजाओं ने कंबोडिया में एक से बढ़कर एक बेहतरीन मंदिरों और अन्य अलग अलग जगहों का निर्माण करवाया, जिसमें भगवान विष्णु के लिए मूल रूप से 12वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ अंगकोर वाट मंदिर सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल है। कंबोडिया में ये वो समय था जब सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपने चाचा जी की हत्या के बाद खुद को खामेर साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने चाइना के साथ अपने राज्य के व्यापारिक रिश्ते शुरू करने से लेकर बहुत से बड़े कामों को पूरा किया, और इस दौरान आर्थिक तौर पर भी अंगकोर वाट पहले से ज्यादा समृद्ध और सुरक्षित बनता जा रहा था, जिसका कारण सूर्यवर्मन भगवान विष्णु की उन पर असीम कृपा को मानते थे। खामेर साम्राज्य के राजा खुद को हमेशा से ही धरती पर भगवान की छवि के रूप में सबसे श्रेष्ठ इंसानों के तौर पर प्रकट करते हुए आए थे, और दूसरी शताब्दी से ही चावलों की खेती करने वाले ये लोग हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखने वाले लोगों में शामिल हो गए थे, जिन्हें हिंदू धर्म और यहाँ के देवी देवताओं की कहानियाँ आकर्षित करती थी। सूर्यवर्मन द्वितीय ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था को एक विराट रूप में प्रकट करने के लिए 1113 ईस्वी में प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया था, जो लगभग 30,000 से 50,000 लोगों की अथक मेहनत के चलते 37 सालों बाद साल 1150 में जाकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इनमें से ज्यादातर लोग खामेर साम्राज्य के अधीन आने वाले बहुत से छोटे छोटे गाँवों से आए थे, और बाकी जितने भी लोगों की जरूरत होती थी उनके लिए गुलामों को काम में लगा दिया जाता था। ये भी कहा जाता है कि साम्राज्य के अधीन आने वाले सभी लोग अपने राजा के फैसले पर विश्वास रखते थे और उन्हें सचमुच भगवान की तरह देखते थे, और इसलिए महज 37 सालों में 400 एकड़ की जमीन पर यह विशाल मंदिर तैयार हो पाया था, जो वेटिकन सिटी के क्षेत्र से 3 गुना बड़ा है। सूर्यवर्मन द्वितीय जिन्हें परम विष्णु लोका का नाम भी दिया गया था, उनकी छत्रछाया में यह मंदिर कई सालों तक खामेर साम्राज्य की हिंदू परंपरा का केंद्र बना रहा, और इसी दौरान बहुत से अलग अलग छोटे छोटे मंदिर आसपास के गांवों में हजारों की संख्या में निर्मित हुए, जिन्हें देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खामेर साम्राज्य के अधीन आने वाले क्षेत्रों में लोगों की संख्या लगभग 1.5 लाख से 10 लाख थी, जिसमें से एक ऐतिहासिक दस्तावेज के मुताबिक अंगकोर वाट मंदिर के प्रांगण में रहने वाले लगभग 12,000 थे। इन 12,000 लोगों में से 650 से 1,000 नृत्यांगनाएं थी और कुछ पुजारी थे। यह जनसमूह अपने मत के अनुसार कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। किसी समय के दौरान लंदन शहर की जनसंख्या लगभग 30,000 ही थी। हालांकि 20वीं और 21वीं शताब्दी में अंगकोर वाट मंदिर पर हुए काम से यह बात साबित हो गई कि यह मंदिर राजा सूर्यवर्मन के 37 सालों में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन अगर हम इस मंदिर को गौर से देखें और आज से 900 साल पहले की दुनियाई तकनीकी को सामने रखकर के आकलन करें, तो यह बात
असंभव नजर आती है, क्योंकि उस समय यूरोप की कुछ बड़ी इमारतों और कैथेड्रल्स को बनाने में सदियों का समय लग गया था। अंगकोर शहर को आज पुख्ता तौर पर मॉडर्न रेवोल्यूशन के पहले का सबसे बड़ा और सोफिस्टिकेटेड शहर माना गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की द ग्रेट लेक के किनारे स्थित है। ये भी एक अजीब सी बात है कि सूखे और बाढ़ के खतरों के बीच आज से हजारों साल पहले बना यह शहर लगभग 6 सदियों तक ज्यों का त्यों खड़ा रहा और कई प्राकृतिक और मानव निर्मित ताकत इस शहर को खत्म नहीं कर पाई। तो इस उपलब्धि के पीछे की सबसे बड़ी वजह अंगकोर वाट में स्थापित किया गया आधुनिक वाटर सिस्टम था, जो यहाँ के कला और विज्ञान के जानकार राजाओं ने अपने समय में हर तरह के खतरों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया था। इसके साथ ही लगभग 15,000 किलोमीटर का लंबा रोड नेटवर्क भी स्थापित किया गया था। और इस बेहतरीन कारीगरी में खामेर साम्राज्य के जयवर्मन 7वें का योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चावल की खेती और विदेशी व्यापार पर घर चलाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बाहरी सैन्य ताकतों से भी था, क्योंकि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में सबसे मजबूत नजर आने वाला यह साम्राज्य सैन्य शक्ति के मामले में उतना दूरदर्शी नहीं था। यहाँ से अंगकोर वाट मंदिर के इतिहास में एक बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ नजर आता है, उसकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि साल 1296 में एक चीनी डिप्लोमेट डोगवान जब कंबोडिया की यात्रा पर आया तो उन्होंने अपनी 11 महीनों की इस यात्रा में मिले अनुभवों को कागज पर उतार लिया था, और उनकी लिखी हुई बातें ही आज के समय में कंबोडिया के ऐतिहासिक विकास और विस्तार के साथ साथ कल्चर को जानने का एकमात्र तत्कालीन दस्तावेज है। अपने लेखन में जो ने कंबोडिया और खास करके अंगकोर वाट को इतना सुंदर, आकर्षक और सुदृढ़ बताया है, जिसकी कल्पना आज उन बच्चे खुचे पत्थरों को देख करके करना नामुमकिन है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से यहाँ के वाटर सिस्टम और व्यापार से लेकर लोगों की दिनचर्या और शासन का ब्यौरा दिया है। और इसी अकाउंट में हमें यह भी जानने को मिलता है कि जब जो ने यहाँ के लोगों से अंगकोर वाट मंदिर के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि यह मंदिर एक चीनी आर्किटेक्चर ने सिर्फ 24 घंटे में बना करके पूरा कर दिया था। इसके बाद कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सूर्यवर्मन की अस्थियाँ इसी मंदिर में दफन है, और उनकी अस्थियों पर अपने राजा की याद के तौर पर बाद में किसी ने यह मंदिर बनवाया था। साल 1860 में जब एक लंबे समय के बाद दोबारा यह मंदिर दुनिया की नजरों में आया तो इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी इस मंदिर के निर्माण की कोई पुख्ता कहानी पता नहीं थी। कुछ लोगों ने जहां इस मंदिर को हमेशा से ही इस धरती पर मौजूद रहने वाला मंदिर बताया, तो कुछ लोगों का कहना था यह मंदिर अपने आप जंगलों में बनकर तैयार हुआ था। इस तरह कहा जा सकता है कि इस मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत सी अलग अलग बातें सामने आती हैं, मगर सिर्फ एक ही कहानी यकीन करने लायक है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसे इतिहासकार भी मानते हैं। खामेर साम्राज्य में सबसे पहला मंदिर महेंद्र पर्वत पर स्थित माना जाता है, जिसे इस साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी बताया गया था। यह स्थान वर्तमान अंगकोर शहर के उत्तर में 40 किलोमीटर दूर स्थित है। अब चलते हैं साल 1177 की तरफ, जब आज के वियतनाम से आए चाम लोगों ने अंगकोर पर आक्रमण किया और इस शहर को तहस नहस कर दिया था। ये वो समय था जब धीरे धीरे हिंदू मान्यताओं के आधार पर बसे इस शहर पर बाकी अलग अलग धर्मों का असर भी नजर आने लगा था। और फिर जब साल 1180 में किंग जयवर्मन 7 ने साम्राज्य के नए राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य की बर्बादी का कारण हिंदू देवताओं को मान लिया था। उनके अनुसार भगवान विष्णु उनके राज्य की सुरक्षा करने में असफल रहे थे। इस बात से प्रभावित होकर जयवर्मन 7 ने साम्राज्य में महायाना बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की जगह देना शुरू कर दिया, और यहाँ के मंदिरों में भी अब धीरे धीरे हिंदू मान्यताओं का प्रभाव खत्म होने लगा था। अंगकोर वाट का सबसे बड़ा मंदिर जो भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था, वहाँ पर भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा को स्थापित किया गया, और यहाँ से सही मायनों में अंगकोर वाट एक बौद्ध धार्मिक स्थल के रूप में बदलना शुरू हो गया था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यह नजर आने लगा था कि खामेर साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत यानी वाटर सिस्टम को संभालना और उसे बचाए रखना यहाँ के लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। 14वीं शताब्दी के इस सूखे ने इस चुनौती को और भी विकराल बना दिया था, और धीरे धीरे खामेर साम्राज्य के राजाओं ने अंगकोर से दूर दूसरी जगह अपना साम्राज्य स्थापित करने का फैसला किया, और आज जो शहर कंबोडिया की राजधानी है वो इस प्रयास के तहत पहली बार सामने आया था। धीरे धीरे अंगकोर शहर, जो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन तरीके से बसा हुआ शहर था और जिसकी कारीगरी को आज दुनिया में अंगकोर वाट का सबसे प्रसिद्ध मंदिर साबित करता है, वो खूबसूरत शहर अलग अलग कारणों के चलते गहरे जंगलों की चादर में लिपट करके कहीं खो गया। मगर लगभग 300 सालों तक दुनिया की नजरों से दूर खुद को समेटे हुए यह मंदिर अपने इतिहास की एकमात्र निशानी बनकर जैसे तैसे खड़ा रहा। 15वीं शताब्दी में अंगकोर शहर पूरी तरह से अबैंडन हो गया था, जिसके बाद कुछ बौद्ध मॉन्क्स ने अपनी विरासत को संभाले रखा। और फिर 1596 के आसपास एक पुर्तगाली व्यक्ति यूरोप की तरफ से अंगकोर तक पहुंचने वाला पहला यात्री बना, जिसने अपने रिकॉर्ड्स में इस विशाल मंदिर की भव्यता के बारे में बहुत कुछ बताया था, मगर उनकी लिखी बातों पर उस समय किसी का ध्यान नहीं गया था। फिर साल 1860 में कुछ कीड़े मकोड़ों की प्रजातियों की खोज में कंबोडिया के जंगलों में आए फ्रेंच नेचुरलिस्ट हेनरी मुहोत की आंखों ने इस विशाल मंदिर को देखा, जिसकी सुंदरता
अब सभी लोगों को मुग्ध करने के लिए काफी थी। हेनरी के अकाउंट्स और उनकी बातों को पढ़ करके 19वीं शताब्दी के आखिरी सालों में इस मंदिर में इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट का तांता लगना शुरू हुआ और यह मंदिर अब इतिहास की कहानी बताने के लिए एकमात्र आई विटनेस की तरह दुनिया के सामने था। हालांकि हेनरी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज को पूरी तरह से जान पाते उससे पहले ही साल 1866 में एक इंसेक्ट के जहर की वजह से उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने एक अनसुलझी पहेली को दुनिया के सामने रख दिया था जिस पर अगले 150 सालों तक काम होने वाला था। आगे एक लंबे समय तक कंबोडिया फ्रांस की कॉलोनी बना रहा और उन्हीं की देखरेख में सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा बना पड़ा है मंदिर सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में सामने आया, जिसकी कहानी को जानने समझने में अभी भी एक लंबा समय लगने वाला था। साल 1994 से 2012 तक का समय अंगकोर वाट मंदिर और इसके इतिहास को जानने समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, जिसमें नासा की मदद से अंतरिक्ष से खींची गई तस्वीरों में यह सामने आया कि अंगकोर वाट मंदिर किसी जंगल में नहीं बनाया गया था और आज से कई सालों पहले एक भरे पूरे साम्राज्य का हिस्सा था। उस साम्राज्य का वाटर सिस्टम और रोड नेटवर्क भी नासा ने दुनिया के सामने रखा था। साल 1992 में अंगकोर वाट मंदिर जब यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा बना तो इसे सहेजे रखना बहुत जरूरी उतना ही मुश्किल था, लेकिन फिर अलग अलग देशों की फंडिंग की बदौलत यह मंदिर आज बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है। हाल ही में साल अंगकोर वाट के ऐतिहासिक विशाल मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है और यह टैग शायद दुनिया में इस मंदिर से ज्यादा कोई और इमारत डिजर्व भी नहीं करती है। अंगकोर वाट मंदिर आज से लगभग 900 साल पहले सिर्फ 37 सालों में बनकर के तैयार हो गया था, मगर यह बात हजम कर पाना बहुत कठिन है क्योंकि लगभग 400 एकड़ में फैला वेटिकन सिटी से 3 गुना बड़ा यह मंदिर किस तरह बना, यह मंदिर किस तरह बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने कम समय में तैयार हो सकता है। सियाम रिप के किनारे लगभग 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और सिल्ट के जरिए 12वीं शताब्दी में हवा, पानी और बाढ़ से बिल्कुल सुरक्षित इतना विशाल मंदिर तैयार करना सच में बहुत हद तक उस समय की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर नॉलेज को सामने रखती है। साथ ही बिना किसी मशीन की सहायता लिए यह मंदिर कुछ 3000 गांवों के 30000 से 50000 लोगों की मेहनत से तैयार हुआ था। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पर्वत मेरू की प्रतिकृति को शानदार आर्किटेक्चर रूप में दुनिया के सामने रखने वाले इस मंदिर में 5 से 10 मिलियन सैंडस्टोन ब्लॉक लगाए गए हैं जो कि गीजा के पिरामिड से भी ज्यादा हैं और इनमें से हर ब्रोकर का वजन 150 टन के आसपास है और उन्हें चूने के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था। सोयल कंपैक्शन तकनीकी जहां इस मंदिर को प्रकृति से प्रभावित होने से बचाती है, तो इस मंदिर के कुछ हिस्सों को ब्रॉन्ज प्लेट से भी ढका हुआ बताया जाता है जिन्हें बाद में बाहरी आक्रांताओं द्वारा लूट लिया गया था। मंदिर के बीच में खड़ा 65 मीटर लंबा टावर और उसके आसपास के छोटे खंभे मेरू पर्वत को ध्यान में रखकर के बनाए गए थे। इसके अलावा अंगकोर वाट मंदिर 200 मीटर चौड़ी और 13 फुट गहरी एक खाई से घिरा हुआ है जिस मंदिर के आसपास जमा होने वाले पानी से इस मंदिर को बचाए रखने के लिए और मंदिर को स्टेबलाइज रखने के लिए बनाई गई थी। यह खाई नहीं होती तो भारी दबाव के कारण बहुत पहले यह मंदिर ढह सकता था। इस मंदिर की हर दीवार, पेड़ी, दरवाजे और खिड़कियां सब कुछ हिंदू और बौद्ध धर्म की खूबसूरती को बेहतरीन तरीके से बयां करती हैं। मंदिर के बड़े भाग में खड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति हो या भगवान बुद्ध का स्टेचू, इस मंदिर को अगर हम एक संगम की संज्ञा दें तो गलत नहीं होगा जो सब कुछ मिलकर एक होता प्रतीत होता है। अंगकोर वाट की स्थिति को अगर हम विज्ञान की भाषा में समझने का प्रयास करें तो पता चलता है कि शायद खामेर साम्राज्य के लोगों को यह पता था कि धरती असल में गोल है। इस मंदिर के कोने में सूर्य भगवान को रथ सहित दर्शाया गया है जिसके चारों ओर सभी ग्रहों की स्थिति भी देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि शायद इस मंदिर के कारीगरों को अंतरिक्ष की जानकारी भी थी। मंदिर की दीवारों पर एक जगह किसी व्यक्ति को दूरबीन जैसा कोई यंत्र पकड़े हुए दिखाया गया है जो देख करके सच में आश्चर्य होता है क्योंकि दूरबीन का निर्माण दुनिया में इस मंदिर के वजूद में आने के लगभग 400 साल बाद हुआ था। अंगकोर वाट मंदिर अपने गर्भ में कुछ सवालों को लिए हुए आज भी खड़ा हुआ है जिसके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। यहाँ की दीवारों पर जो कुछ उकेरा गया है उनके बारे में उस समय के लोगों को जानकारी कहाँ से मिली थी। इसके अलावा इस मंदिर के निर्माण को लेकर भी अलग अलग सवाल सामने आते हैं जिसमें यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर सच में खामेर के राजा ने ही बनवाया था या फिर मंदिर उनके पहले से ही मौजूद था जिस पर इस साम्राज्य के राजाओं ने अधिकार कर लिया था। कुछ लोग इस मंदिर को बनाने के पीछे के कारण भी अलग अलग बताते हैं और सवाल भी सामने आता है कि अगर सच में खामेर के राजा निर्माण कार्य और इंजीनियरिंग में इतने अच्छे थे तो फिर उन्होंने इसके पहले और इसके बाद किसी राजा ने कुछ ऐसा क्यों नहीं बनवाया था। साथ ही इस मंदिर की स्थिति और दशा भी एक बेहतरीन पांडित्य, ज्ञान और विज्ञान की जानकारी रखने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो सूर्य से लेकर ग्रहों की दशा और बाकी सभी बातों का जानकार रहा होगा जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्या सच में आज से 900 साल पहले के दक्षिण एशियाई इलाके में कोई व्यक्ति इतना एडवांस था या वहाँ के कल्चर और लोगों के पास ऐसी कोई तकनीकी थी जिस तरह की जानकारी इकट्ठा करने में उनके लिए मददगार साबित हुई थी। आज पुख्ता तौर पर इस मंदिर की बहुत बड़ी जानकारी हमारे सामने है। इस मंदिर की दीवारों पर कंबोडियन और संस्कृत भाषा में लिखे गए रिकॉर्ड से और बाकी अन्य तरह की तकनीकी से पता चली है, मगर फिर भी यह मान लेना आसान नहीं है कि कोई आम व्यक्ति इतना विशाल स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है।
16वीं शताब्दी में अंगकोर वाट की यात्रा करने वाले पुर्तगाली व्यक्ति ने लिखा था कि शहर और यहाँ के मंदिरों की व्याख्या कागज पर उतारना नामुमकिन है, और बात आज भी सही साबित होती है, क्योंकि अंगकोर वाट मंदिर की विशालता को शब्दों में उतारना शायद किसी भी व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। नारदवाणी से जितना मुमकिन हो पाया वो हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।